बताया सर। दीपांशु, शो के शुरुआत में मैंने कहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स मेरे को मजबूत लग रहे हैं, बैंक निफ्टी में यहां से ब्रेकआउट आने वाला है, 44,000 के ऊपर जैसे निकलेगा तो 200 से 300 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाया है, वन साइड मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया वो बैंकिंग स्टॉक ही है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 122.70 रुपया, 122.80 रुपया, 122.70, 122.80, ये अभी भाव है। बैंक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं। लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। यहां से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा जंप फेडरल बैंक में यहां से देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 120.50 रुपए 121 के पास है, तो 120.50 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 126 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 127.50 रुपए का। कुछ दिनों का व्यू लेके फेडरल बैंक में खरीदारी करें 120.50 के स्टॉप लॉस से 126 और 127.50 के टारगेट्स के लिए।